सिंधु जी नमस्ते। सिंधु जी, मुझे नमस्कार बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी। अब गोची बावली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्चीबाउली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है और वो एसी और वो शटल कंट्रोल करना बहुत, तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, अगर वो अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलू करके फरवरी से अगर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट से परमिशन लिया था सर। ऑब्वियसली ये पैंडेमिक के वजह से वो लोग इमीडिएटली परमिशन लेके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बोला था, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम क्योंकि एज सून एज आई आस्क्ड परमिशन वो लोगों ने परमिशन दे दिया सर। तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है, अगर अभी से स्टार्ट किया तो वो बड़ा स्टेडियम में खेलना तो टोक्यो जाने के बाद उतना मुश्किल नहीं होता है, आई गेट यूज टू इट सो क्विकली, इसीलिए सर। आपके परिवारजन भी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी, तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। देखिए सिंधु जी, माता पिता दोनों खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात जरूर करूंगा। आपको नमस्कार। आप ये बताइए, जब किसी बच्चे की रुचि खेल में जाने की हो तो कई पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को ढेरों आशंकाएं रहती है। आप ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सर, पेरेंट्स ये जानना चाहिए कि अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो सब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि आप थोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हर इश्यूज में आप लोग आगे बढ़ेंगे और जरूर आप ऊपर आ सकते हैं।